What is up guys, welcome back once again. So दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वॉक। तो कहानी शुरू होती है और हम फिलिप्स नाम के आदमी को देखते हैं जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे खड़े होकर बता रहा है कि लोग मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछते हैं कि आखिर मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, क्या मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है। तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे मेरा काम पसंद है, ये करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दूर आपको दो बिल्डिंग दिख रही होगी जिन्हें हम ट्विन टावर कहते हैं और मैं उनके बीच चलना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों फिलिप्स एक सर्कस में काम करता है, वो पेरिस की गलियों में जाके अपना कर्तव्य दिखाता है। बिना कुछ बोले ही वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है और वो उन ट्विन टावर्स के बीच में रस्सी बांधकर उसे पार करना चाहता है। तो फिलिप्स आखिर उन टावर्स से इतना अटैच क्यों है, ये जानने के लिए हमें उसके फ्लैशबैक में जाना होगा। तो कहानी पेरिस से शुरू होती है जहां हम उसके बचपन को देखते हैं, जो छुपते हुए एक सर्कस में जाता है जहां वो एक आदमी को वायर पे चलते हुए देखता है और पहली बार 8 साल की उम्र में ऐसी चीज़ देखकर वो उसमें खो जाता है और उसके जैसा करने की कोशिश करता है। इसलिए वो घर जाता है और खुद दो पेड़ों के बीच में वायर बांधकर उस पर चलने लगता है, पर ये इतना आसान नहीं होता। वो कई बार नीचे गिरता है पर वो हार नहीं मानता और धीरे धीरे वो अपने हुनर को निखारने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो बिना गिरे उस पर चलने लगता है, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं था, उसे बहुत कुछ सीखना था, जिसके लिए वो सीधा पहुँचता है सर्कस में जहाँ वो बचपन में गया था। वो बिना किसी को बताए उसी वायर पर चढ़ जाता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उसे देख लेता है और ये आदमी है पापा रूडी, जो कि इस समय पर वायर वॉकिंग के मास्टर हैं और इस सर्कस के ओनर भी हैं। अब फिलिप्स के लिए वो उसके गॉडफादर होते हैं। अब फिलिप्स नीचे उतरता और पापा रूडी उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी वो एक बॉक्स से टकरा जाता है जिसकी वजह से बॉक्स में रखा सारा सर्कस का सामान गिर जाता है। और तभी फिलिप्स गिगलिंग करने लगता है और उसकी स्किल देख के पापा रूडी काफ़ी इंप्रेस होते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। पर दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस होता है, जिस वजह से दोनों की बातें भी बिल्कुल अलग थी, उनके सोचने का नज़रिया भी अलग था, अब उनके बीच में बनती नहीं थी। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब पापा रूडी इसे अपने घर से जाने को कह देते हैं। अब फिलिप्स यहाँ से सीधा अपने घर जाता है, लेकिन यहाँ भी उसका काम नहीं बनता। उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर रहा था और कहते हैं कि वापस तभी आना जब तुम कुछ पैसे कमा लेना। लेकिन फिलिप्स को वायर वॉकिंग करनी है, वो वही उसका सपना है, जो कि उसके डैड को कुछ खास पसंद आती नहीं, जिस वजह से वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। पर फिलिप्स को इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त टाइप का बंदा होता है। अब यहाँ से वो गलियों में घूम के अपना कर्तव्य दिखाना जारी रखता है और उसी से गुजारा करता था। अब एक दिन वो ऐसे ही सबसे पैसे इकट्ठा कर रहा होता है तो उसकी टोपी में एक लड़की कैंडी रख देती है, जिसे वो तुरंत खा लेता है। और फिर होना क्या था, उसके दांत में दर्द होने लगता है और उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। पर ये शायद उसके लिए एक अच्छा ही संकेत था, क्योंकि वहाँ उसे खुद को साबित करने का एक नया और यूनिक तरीका मिल जाता है। वहाँ पड़ी मैगजीन में एक फ़ोटो थी जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की थी। फिलिप्स उसे देख के ठान लेता है कि अगला कर्तव्य अब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बीच में करेगा, जो कि उस समय की दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में आती थी। पर ये इतना आसान नहीं होता, इस चीज़ के लिए उसे काफ़ी मेहनत और सब्र करना होगा। अब डेंटिस्ट से काम हो जाने के बाद वो फिर से गलियों में अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर देता है। पर वहीं थोड़ी दूर पे एक एनी नाम की लड़की गिटार बजा के पैसे इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन फिलिप्स के आते ही सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे एनी को बहुत नुकसान होता है और उसे एक भी पैसे नहीं मिलते। अब शो खत्म होने के बाद वो फिलिप्स के पास आके कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे लोग मुझसे दूर चले गए। तो दोस्तों फिलिप्स ने यहाँ पर एक रूल बनाया था कि वो जब तक अपने सर्कल के अंदर रहेगा वो कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके लिए एनी उसे सर्कल से बाहर बुलाती है और एक अनोखे अंदाज में, और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये लोग मेरे गाने को कितना एंजॉय करते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से वो आज मुझसे दूर हो गए। अब ये सुन के फिलिप्स पहले तो उससे माफ़ी मांगता है और फिर उसे एक ऑफर देता है कि जिस दिन वो यहाँ आएगी उस दिन वो नहीं आएगा, और जिस दिन वो यहाँ पर आएगा एनी यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगी। अब एनी ये बात मान जाती है और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद दोनों एक शांति वाली जगह पर वाइन पी रहे होते हैं। बातों बातों में फिलिप्स उसे अपना ड्रीम बताता है कि कैसे वो दो टावर्स के बीच में चलने वाला है। एनी को पहले तो ये सब मजाक लग रहा होता है, लेकिन बाद में उसे समझ आ जाता है कि फिलिप्स कोई मजाक नहीं कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि फिलिप्स अपनी तैयारी में लग जाता है। वो एक पार्क में दो पेड़ों के बीच में रस्सी बांध के उस पर प्रैक्टिस करता है। उसके थोड़ी दूर पे एनी भी होती है, वो उसे भी अपने साथ वायर पे वॉक करवाता है। इसी बीच वहाँ एक लुइस नाम का लोकल रिपोर्टर आता है और अब उसके सामने फिलिप्स पापा रूडी की काफ़ी तारीफ करता और कहता है कि जो कुछ भी उसने सीखा है वो पापा रूडी ने उसे सिखाया है। और आगे वो ये भी बताता है कि वो कुछ दिन बाद अमेरिका जाने वाला है, जहाँ वो एक बहुत बड़ा कारनामा करने वाला है। लुइस उसे पूछता है कि ऐसा वो क्या करने वाला है,
तो वो कहता है कि जब मैं करूँगा तो तुम खुद ही देख लेना। पर तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर लुईस उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ध्यान से, कहीं फेमस होने के चक्कर में तुम खुद की जान मत गंवा देना। अब यहाँ फिलिप्स को समझ आ जाता है कि ऊंचाई पर चलने के लिए उसे पापा रूडी की मदद चाहिए, इसलिए वो सीधा अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। अब फिलिप्स को यहाँ पर जानना होता है कि रस्सी को कैसे बांधे और उस पर कितना वेट होना चाहिए जो कि उसे पापा रूडी सिखा सकते हैं। पापा रूडी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना सीक्रेट्स क्यों बताऊं। तो फिलिप्स उन्हें पैसे ऑफर करता है और कहता है कि इन पैसों के लिए आप मुझे सिखा दीजिए, और पापा रूडी उसकी बातें मान जाते हैं। अब हर रोज सर्कस के बाद रूडी उसे वायर बांधना और उस पर सही से चलना सिखाते हैं। वो वायर्स बांधना तो सीख जाता है, पर जब वो एक दिन शो के बाद उस पर चलने लगता है लेकिन बीच रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है, तो पापा रूडी उसे बहुत प्यार से समझाते हैं कि बहुत सारे वायर वॉकर पहुँचने से पहले ही गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बस पहुँचने वाले हैं, पर सच्चाई में वो अभी भी वायर पर ही होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास 3 कदम बाकी हैं और तभी तुम उसे जल्दी पार करने की कोशिश करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जहाँ पर तुम मारे जाओगे। और अब वो इस एडवाइस के पैसे भी नहीं लेते और उसके लिए फ्री होती है। अब रूडी उसे एक प्रैक्टिकल करवाने के लिए उसे एक लेक के पास ले जाते हैं जहाँ पर एक शो हो रहा होता है, और वहाँ उसे सभी के सामने चलने को कहते हैं। और फिलिप्स के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था खुद को साबित करने के लिए, इसलिए वो बिना टाइम गवाए वायर पर चलने लगता है। लेकिन तभी तेज म्यूजिक और लोगों के शोर से उसका ध्यान भटकने लगता है और वो फिर से सीधा पानी में गिर जाता है। तो यहाँ उसे एक और बात पता चलती है कि वायर वॉक के लिए फिजिकल बैलेंस के साथ साथ मेंटल बैलेंस भी ज़रूरी है। लेकिन इतने फेलियर के बाद वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन वो आसमान को देखता है और उसे 2 टावर दिखते हैं नोट्रो डेम, और अब उसने ठान लिया था कि वो इस टावर को पार करके रहेगा। वो बिल्डिंग के बीच में वायर लगाता है और इस बार पूरी तैयारी के साथ उस पर चलता है, और इस बार ही उसके नीचे हजारों लोगों की तादाद थी जिसमें एनी और लुईस भी होते हैं, और आखिरकार वो कर दिखाता है और वो उस बिल्डिंग को पार कर देता है। उसके इस कारनामे की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और हर न्यूज़पेपर में उसकी और पुलिस की फ़ोटो छापी थी, जिसे देख के वो कुछ खास खुश नहीं होता। पर तभी एनी उसे एक फ़ोटो दिखाती है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की होती है, जिसके नीचे लिखा था कि ट्रेड सेंटर का 80% काम पूरा हो चुका है। और उस फोटो को देख के फिलिप्स कहता है कि शायद ये मेरे लिए एक मैसेज है कि अब समय आ गया है कि मेरे सपनों को पूरा करने का। सीन कट होता और दोनों अमेरिका पहुंच जाते हैं टॉलेस्ट टावर को देखने के लिए, पर ये उनकी उम्मीद से भी कुछ ज़्यादा बड़ी थी। और फिलिप्स कहता है कि यार ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब वो टावर के ऊपर जाता और वहाँ खड़े होकर पहली बार इतनी ऊंचाई को अनुभव लेता है। फिलिप्स कहता है कि ये इम्पॉसिबल है लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। अब वहाँ से दोबारा पेरिस आने पर इन लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दोनों टावर्स के बीच में वायर्स कैसे बांधे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे हवा की स्पीड बहुत तेज़ है और ऐसे में वायर्स बांधना नामुमकिन है। तब फिलिप्स एक बार फिर से पापा रूडी से मदद मांगता है और वो उसे बताते हैं कि आखिर उन्हें वायर कैसे बांधनी है। पापा रूडी कहते हैं कि तुम्हें सेफ्टी लेकर उसे पार करना होगा, लेकिन फिलिप्स ऐसा करने से मना कर देता और कहता है कि वो बिना सेफ्टी के उसे पार करना चाहता है आज़ादी से, क्योंकि सेफ्टी को देखकर ऑडियंस को पता चल जाएगा कि आपके दिल में डर है। अब इसके बाद पापा रूडी उसे उसके पैसे वापस लौटा देते हैं जो फिलिप्स ने उन्हें टीचिंग के लिए दिया था। यहाँ पर वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक काम करने जा रहा है और वो उसे बचपन से जानते थे। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ काम सिर्फ वायर बांधना नहीं होता, दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है दोनों टावर्स तक वायर कैसे पहुँचाई जाए। और इसी बीच लुईस एक लड़के को आता है जो कि एरो मास्टर होता है। तो दरअसल ये लोग दोनों टावर्स तक वायर एक एरो की मदद से पहुंचाएंगे और ये असल में उसे प्रैक्टिस करके भी देखते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी होता है। अब इसके बाद फिलिप्स का इरादा और मजबूत हो जाता है। वो कैलेंडर पर एक डेट मार्क करता है जो कि थी 6 अगस्त 1974। इसी डेट को ये हैरत अंगेज कारतब दिखाएगा। अब ये सारे लोग सामान लेके न्यूयॉर्क आ जाते हैं, पर वहाँ सिक्योरिटी ऑफिशियल इन्हें रोक लेते हैं। तो फिलिप्स उससे कहता है कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बीच में वायर वॉकिंग करने वाला हूँ, ये सामान उसी का है। और उसकी ये बात सुनकर वो ऑफिशियल हंसने लगता है और उसे गुड लक बोल के जाने देता है। अब सारे लोग न्यूयॉर्क में एक रूम ले लेते हैं और वहीं रहकर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कैसे कैसे सब चीज़ें करनी है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप्स हर रोज़ दोनों टावर के अंदर जाता था और वहाँ होने वाली हर चीज़ को एनालाइज करता था। और ऐसे ही एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहुँच जाता और उसे ये भी पता चल जाता है कि दोनों टावर्स की दूरी 140 फीट है। वो देखता है कि कौन सा गार्ड कहाँ पर खड़ा है और कौन सी जगह पे ज़्यादा लोग आते हैं। और इसी बीच वो कई बार टॉप पर भी जाता है जहाँ उसे दूसरे टावर पर जाना है, और तभी वहाँ उसके पैर में कील चुभ जाती है जिसकी वजह से अब उसे लंगड़ाते हुए सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसे लंगड़ाते हुए समझ कर लोग उसे ज़्यादा सिंपैथी देते हैं, जिसकी वजह से उस पर कोई शक भी नहीं करता।
अब एक दिन ऐसे ही हर रोज की तरह फिलिप्स टावर के अंदर घूम रहा होता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो उसे देखकर पहचान लेता है और बताता है कि उसने उसे पेरिस में वायर वॉकिंग करते हुए देखा था और तब से ही वो उसका फैन है। ये सुनते ही फिलिप्स समझ जाता है कि ये आदमी उसके काम आ सकता है क्योंकि इसकी आईडी की मदद से वो टॉप तक बार बार आ सकता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है जिसे सुन के वो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब समय बीतने लगता है और इनकी डेट भी अब करीब आ रही थी। अब एक दिन जब फिलिप्स टावर के अंदर होता है तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें एक वॉकी टॉकी लेना होगा वरना हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। इसलिए ये लोग एक शॉप पर जाते हैं जहाँ का ओनर समझ जाता है कि ये लोग ज़रूर कुछ करने वाले हैं, जिसकी वजह से फिलिप्स उसे भी सब कुछ बता देता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब फिलिप्स अपना सपना पूरा करने वाला है। पूरी टीम अलग अलग टावर में जाती है क्योंकि पहले ही ने वहाँ पर वायर बांधनी होती है। अब टॉप तक जाना इतना आसान नहीं होता पर फिलिप्स और उसके दोस्त नकली आर्किटेक्ट बनकर ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं जिस वजह से फिलिप्स और उसके साथियों को एक जगह छुपना पड़ता है। अब वहाँ पर छुपे छुपे काफ़ी रात हो जाती है पर इन्हें जैसे भी करके वो वायर्स बांधनी है। अब सारे लोग काम पे लग जाते हैं। दूसरे टावर से टीम का एक बंदा एक एरो फेंकता है पर इतनी रात में एरो फिलिप्स को दिखता ही नहीं और वो बड़ी मुश्किलों से उसे ढूंढता है और उसमें लगे वायर्स को बांधता है। बीच बीच में ये लोग वॉकी टॉकी से भी बात कर रहे होते हैं और नीचे एनी और वो ऑफिस वाला बंदा भी खड़ा होता है ताकि कोई दिक्कत हो तो वो लोग संभाल लें। और ऊपर ये लोग पूरी रात वायर्स बांधने में लगा देते हैं। एक बारी तो फिलिप्स के साथी के हाथ से वायर छूट जाती है पर जैसे तैसे करके वो उसे रोक लेता है। अगर वो नीचे चली जाती तो खेल ख़त्म हो जाता। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है पर इन लोगों का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा था। फिलिप्स और उसका दोस्त समझ जाते हैं कि अब वो लोग गए पर वो आदमी ऊपर आता और पूरे शहर का नज़ारा देख के चला जाता है बिना कुछ बोले। पता नहीं ये आदमी कौन था और उसने इन्हें क्यों नहीं रोका। वेल अब ये लोग तो बच गए थे पर अभी असली काम तो बाकी था। वो फौरन अपनी सारी चीज़ें रेडी करता और उसके पैरों में वो चोट अभी तक ठीक नहीं हुई थी लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद यहाँ एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। फिलिप्स अपना कॉस्ट्यूम घर ही भूल गया था और उसके बिना ये स्टंट करना बहुत ही मुश्किल था। वो उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी था लेकिन वो कहता है कि कोई नहीं, वो उसके बिना ही ये करतब करेगा। अब फिलिप्स बिना कुछ सोचे समझे उस वायर पर अपना पहला कदम रख देता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा रॉड था। वो अपने आप से कहता है कि अगर मैंने अपना वेट इस पर शिफ्ट किया तभी मैं सच्चा वायर वॉकर कहलाऊंगा। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता और ये देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी किसी ने नहीं किया था। और नीचे आनी लोगों को इकट्ठा कर रही होती है और उन्हें फिलिप्स को देखने को कहती है। ऐसे ही करते करते हज़ारों की भीड़ नीचे इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे फिलिप्स उस पूरे टावर को पार कर लेता है। और ऐसी फीलिंग उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। उसने अपना सपना पूरा कर लिया था और लुइस बहुत ही खुशी में उसकी फ़ोटो लेता है। पर यहाँ पर फिलिप्स को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जैसे कुछ छूट गया है। वो खुद से कहता है कि मुझे लग रहा है कि दूसरा टावर मुझे वापस बुला रहा है और वो दोबारा उस वायर पे चलने की सोचता है पर इस बारी वो उस वायर पे लेट जाता और आसमान की तरफ देखकर खुद के पूरे होते सपने को एंजॉय करता है। उसे यहाँ अलग तरह की शांति मिल रही थी जो आज तक उसने कभी भी महसूस नहीं की थी। लेकिन कोई वर्ल्ड ट्रेड टावर के बीच में चल रहा है ये खबर आग की तरह फैल जाती है जिसके कुछ ही पल बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जो फिलिप्स को किनारे पर आने को कहती है। लेकिन वो उन्हें चकमा देकर दोबारा चलने लगता है तो वो उनके सामने ही रोप पर चल रहा था लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब वायर कमज़ोर होने लगती है और जहाँ से उसने बांधा था वो हिस्सा अब टूटने लगता है और चॉपर की वजह से फिलिप्स का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। और ये देखकर नीचे खड़े सारे लोग घबरा जाते हैं। वो भी सोचता है कि अब उसे किनारे तक जाना ही होगा वरना वो नीचे गिर सकता है। अब फिलिप्स धीरे धीरे करके किनारे तक पहुँच जाता है जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है जो उसे नीचे लेके जाते हैं। पर उस बिल्डिंग में काम कर रहे सारे लोग उसे देख के तालियां जाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। जो ऑफिसर उसे स्टेशन लेके आता है वो उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा है। वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है और इसके कुछ पल बाद वहाँ मीडिया वाले फिलिप्स को घेर लेते हैं और उसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं जिसके जवाब में वो कहता है कि मुझे ऊंचाई से कोई डर नहीं लगता, मेरा जहाँ भी मन कहता है मैं वहीं वायर लगा देता हूँ चाहे वो दुनिया की सबसे ऊँची इमारत ही क्यों ना हो। कुछ दिन बाद कोर्ट का फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि अब फिलिप्स कभी भी वर्ल्ड ट्रेड टावर पर वायर नहीं बांधेगा और ना ही कभी इतनी ऊंचाई वाली इमारत पर चलेगा। वो ऐसे ही गलियों में अपना कर्तव्य दिखा सकता है। अब फिलिप्स दोस्तों हीरो बन चुका था, उसकी हर जगह फ़ोटो छपी थी, उन्हीं में से एक फ़ोटो पापा रूडी भी देखते हैं।
और उसे देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि फिलिप्स ने आखिर कर दिखाया। तो यहाँ फिलिप्स अपने सपने को पूरा होने की कोशिश में लोगों को पार्टी देता है जिसमें उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद की थी। वो फिर से उस टावर को देखता है जो कि अब चालू हो चुका है और कहता है कि ये अब पहले जैसा नहीं रहा, मैंने इसे पूरी तरह से बदल दिया। और कुछ समय बाद टावर के ऑफिशियल उसे एक पास देते हैं कि वो कभी भी किसी भी समय टेरेस पर आ सकता है, वहाँ के टावर में आ सकता है। और इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो उसे छोड़कर फ्रांस चली जाती है क्योंकि उसे भी अपने सपने को पूरा करना था, उसे सिंगर बनना था। फिलिप्स उसे हर चीज़ के लिए शुक्रिया करता है जो उसने उसके लिए किया था। अब एक दिन ऐसे ही वो ट्विन टावर के ऊपर टेरेस पर पहुंच जाता है और सामने वाले टावर को देखता रहता है और सोचता है कि आखिरकार उसने अपना सपना पूरा कर ही लिया। वो अपना पास दिखाता और कहता है कि इसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी है, लेकिन मिस्टर लुईस जिन्होंने मुझे ये पास दिया है उन्होंने इस पर लिखा है फॉरएवर, मतलब कि हमेशा। मतलब दोस्तों वो हमेशा लोगों के दिलों में अमर रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिनका नाम है फिलिप्स पेटीट, जिन्होंने सच में ट्विन टावर को वायर बांधकर क्रॉस किया था और उन्हीं की ज़िंदगी पर यह फिल्म बनाई गई है। तो आपको ये कहानी, ये फिल्म, ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।